नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबरें। आज ज्येष्ठम चौक पर चार युवकों में झड़प हो गई। इस झड़प का वीडियो वायरल हो गया है। युवक एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे और एक दूसरे पर बेल्ट बरसाते रहे। दरअसल ये लड़ाई ज्येष्ठम चौक पर खड़े रहने वाले वाहनों की वजह से हुई है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर युवक आपस में झगड़े क्यों। हुआ यह कि जो युवक बेल्ट बरसा रहा है उसकी बाइक गिरी तो यहाँ खड़े तीन युवकों में से सफ़ेद जैकेट वाले युवक के पैर में लग गई। इस युवक ने बिना सोचे समझे जिस युवक की बाइक गिरी थी उसको तीन चार थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद बाइक से गिरे युवक को गुस्सा आया तो उसने थप्पड़ मारने वाले और उसके दो अन्य साथियों पर बेल्ट ही बेल्ट बरसा। इसके बाद ये तीनों युवक यहां से भाग खड़े हुए। अब प्रदेश से जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सज्जन सिंह वर्मा को बेहुदा बताया है और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि वह ISI के एजेंट हैं। दरअसल आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भोपाल में राजभवन के सामने प्रदर्शन करने पहुँचे थे। प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल मंगू भाई पर टिप्पणी की और सज्जन सिंह वर्मा ने भी उनके खिलाफ टिप्पणी की। इस पर भाजपा ने उलटवार किया है। इटारसी अस्पताल के नए भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि वह अपने बेहुदा साथी सज्जन सिंह वर्मा के साथ राजभवन पहुंचे थे और उन्होंने सांवैधानिक पद की गरिमा को ध्यान में रखकर प्रदर्शन नहीं किया और राज्यपाल के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है जो निंदनीय है। आगे का विषय है, इस संवैधानिक पद पर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा किया गया ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक तो है ही। मैं बताना चाहता हूं कि नेमावर की जो घटना है उस दलित बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना हुई उसमें बहुत गंभीर घटना है। उस पर सरकार ने जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी बचा नहीं, सारे लोग जेल चले गए। CBI इंक्वायरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर की है, उसके बाद नौटंकी करके दिग्विजय सिंह इस प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जैसे बेहुदा लोगों को लेकर राजभवन जाते हैं। राजभवन के सामने इतनी भीड़ के साथ वहाँ ये कहते हैं कि ये राज्यपाल ट्रैवल राज्यपाल उनको सहायता नहीं दिला सकते, तो ऐसे राज्यपाल को किन शब्दों का उपयोग किया गया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल के लिए इन शब्दों का उपयोग करना कि कोरोना के डर के कारण से राज्यपाल बाहर नहीं निकल रहे, ये कोई सामान्य घटना है? आप एक महामहिम राज्यपाल को जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं कोरोना के संकट में उनका अपना प्रोटोकॉल है, क्या सज्जन सिंह वर्मा आप बताएंगे कि राज्यपाल को क्या प्रोटोकॉल का पालन करना है? इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात पर पूरा मध्य प्रदेश आक्रोशित है जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग महामहिम राज्यपाल के लिए हुआ है और जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल के मुर्दाबाद के नारे दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर सज्जन सिंह वर्मा ने जो बेहुदा शब्दों का उपयोग किया है इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई सरकार करे
मैं इसकी गंभीरता से मांग कर रहा हूँ। पूरा मध्य प्रदेश इस पर आक्रोशित है, बहुत गुस्से में। बीजेपी करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इन शब्दों का उपयोग कर महामहिम राज्यपाल, जो जनजातीय क्षेत्र के हमारे गौरव हैं, और मध्य प्रदेश के लिए पहली बार ऐसे महामहिम राज्यपाल जो जनजातीय क्षेत्रों से लेकर के मध्य प्रदेश के कोने कोने में जाकर एक राज्यपाल लोगों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं, ऐसे संवेदनशील राज्यपाल के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा किया गया है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी। भाई साहब, दिग्विजय सिंह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ISI का पैसा है, क्या कहेंगे इस संबंध में RSS और BJP के पास, उन्होंने आज आरोप लगाया है। हाँ, मतलब वो मुझे लगता है कि ISI से लेकर के वो ही आए होंगे, क्योंकि एजेंट तो वो ही है, तब तो वो कह रहे हैं कि पैसा किसके पास गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह ISI का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, इस देश के अंदर अपराधियों का समर्थन करते हैं, देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। दिग्विजय सिंह की हालत तो अब ये हो गई है कि उनको मीडिया में आने के लिए कुछ भी कहना और करना है, इसलिए दिग्विजय सिंह के प्रयास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है हम सब लोगों को अब इस पर विचार करना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह की बात को आप सुने, क्योंकि समाज ने तो सुनना तो बंद कर दिया है। अब मुझे लगता है कि ना हम लोगों को जवाब देना चाहिए, ना आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने दूसरा आरोप और लगाया है कि दीमक की तरह भारतीय जनता पार्टी देश को चाट रही है, क्या कहेंगे? मैंने कल ये कहा है कि दिग्विजय सिंह के जो देश विरोधी, उनका जो एक पृष्ठभूमि जिसको मैं कहता हूँ, जो देश विरोध के लिए करने वाली जमीन उसकी थी, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी या हमारे उस विचार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। इसलिए उनको भी कष्ट होता कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, अब उनको कोई रास्ता मिलता नहीं है, तो इस प्रकार की अनर्गल को बात में। ऐसा OBC मामले में क्या पार्टी की स्टैंड है? इटारसी में सरकारी अस्पताल का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, आज इसका लोकार्पण प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सांसद राव उदय प्रताप सिंह, होशंगाबाद विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, सिवनी विधायक, सिवनी मालवा विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, जिला अध्यक्ष भाजपा माधव अग्रवाल मौजूद थे। इसके अलावा स्थानीय नेताओं में जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, जयकिशोर चौधरी, राकेश जाधव, डॉक्टर नीरज जैन, भरत वर्मा और जोगिंदर सिंह सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद थे। तो बने रहिए HBNN के साथ, जिससे आपको मिलती रहे ताज़ा तरीन और ख़ास खबरें।